प्यारे बच्चों, आज हम आपको नानी दादी की कहानियों में शेर और चूहे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? बच्चों, एक बार एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा होता है और उस पेड़ के नीचे एक चूहों का बिल था। आप जानते हैं चूहे कहाँ रहते हैं? चूहे बिल के अंदर रहते हैं। तो जैसे ही चूहे खेल रहे थे तो उसके अंदर से एक शरारती चूहे ने शेर के ऊपर जाके कूदना शुरू कर दिया। जैसे ही शरारती चूहे ने शेर के ऊपर कूदा तो क्या हुआ, शेर की नींद खुल गई और शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरी नींद को डिस्टर्ब करा है। लेकिन चूहे ने बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम तो खेल रहे थे, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। शेर हंसने लगा। शेर ने बोला, तुम इतने छोटे से हो, तुम मेरे क्या काम आओगे। देखो बच्चों, क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक शिकारी आया। शिकारी ने अपना जाल लगाया हुआ था ताकि वो जानवरों को पकड़ कर ले जाए, तो शेर को पता नहीं था और शेर उस जाल में फंस गया। जैसे ही शेर उस जाल में फंस गया, शेर जोर से चिल्लाने लग गया, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं फंस गया हूँ। तभी चूहे ने शेर की आवाज़ सुनी। उसने अपने साथियों से बोला, अरे ये तो शेर की आवाज़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए क्या हुआ। जैसे ही वो चूहा अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। तो उसने बोला, शेर शेर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने तीखे दांतों से इस जाल को काट देंगे और आपको आज़ाद कर देंगे। तो चूहों ने क्या, बहुत सारे वहाँ पे चूहे आ गए, उन्होंने जल्दी जल्दी से अपने तीखे दांतों से जाल को काट दिया और शेर फिर आज़ाद हो गया। शेर बहुत खुश हुआ, उसने चूहों को अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद बोला। उसने बोला कि अगर आप नहीं मेरी मदद करते तो मेरे को आज शिकारी पकड़ कर ले जाता और मैं फिर कभी भी जंगल में नहीं आ पाता। बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हर इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की मदद करता है। तो बच्चों, मिलते रहिए, सुनते रहिए दादी नानी की कहानियाँ।